अब दिल्ली नहीं है दूर, क्योंकि अब दिल्ली की सुविधाएं मिलेंगी आपको अपने शहर आगरा में। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुष्मान हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जहां आपको मिलती है दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर संजीव यादव व उनकी टीम के निर्देशक में ढेर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक्सीडेंटल एंड ट्रोमा केयर सेंटर, हार्ट केयर सेंटर, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेट आंत लीवर गुर्दा रोग क्लिनिक, दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्त्री रोग व बांझपन विशेषज्ञ। एड्रेस सिकंदरा बोडला रोड, भावना मल्टीप्लेक्स के सामने, सिकंदरा आगरा। कॉन्टेक्ट नंबर 9719272225। जनपद बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब का सेवन करने से 5 लोगों की हुई मौत। लापरवाही बरतने पर सिकंदराबाद प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज एवं बीट आरक्षी किए गए निलंबित। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर बुलंदशहर पहुंचे आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर अनीता पी मेशराम ने जिला अस्पताल पहुंचकर जाना मरीजों का हाल। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार काफी समय से गांव के अंदर बिक रही थी जहरीली शराब, जिसकी सूचना मिलने के बाद भी आबकारी विभाग द्वारा नहीं की गई थी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही। साथ ही आपको बता दें कि डीओ ने मामले की जानकारी चैनलों के माध्यम से होने की बात कही, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आबकारी विभाग वाकई आंखें बंद करके कर रहा है काम। जिसके उपरांत बुलंदशहर पहुंचे आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही। शराब से पीने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ घायल हुए हैं, पूरी क्या जानकारी मिल रही है सर आपको? देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है और एहतियातन जिनको, क्योंकि डीएम साहब ने वहाँ पर सबको माइक से और सब पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहला दिया था कि किसी को भी किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स हो तो वो एहतियातन एडमिट हो जाए ताकि इनका मेडिकल कराया जा सके। तो ऐसे 16 लोग इसमें चिन्हित हुए हैं जिनको एडमिट किया गया है और देखा गया तो उनकी कंडीशन सभी की ठीक है। सभी पहलुओं पर इसमें जाँच की जा रही है और आबकारी विभाग के लोग और पुलिस के प्रशासन के सभी लोग मिल करके इसको तह तक जाएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अभी तक ये क्या जानकारी मिल जाए 20 ब्रांड शराब थी, क्या इसको बनाया गया था अपने यहाँ? देखिए, मैंने कहा ना, अभी ये प्रथम दृष्टया सभी सैंपलिंग और सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। अभी मैंने भी पूछताछ की है, बहुत जल्दी इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे और इतना आश्वस्त करते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई। सर, एक और ग्रामीण बता रहे हैं, सर पिछले काफ़ी समय से ये यहाँ पर शराब बिक्री हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा सभी पहलुओं पर इसमें जांच करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने अभी स्थानीय स्तर पर जो थाने के थानाध्यक्ष और 4 लोग कुल मिलाकर के निलंबित किए गए हैं, लेकिन बाकी सभी पहलुओं पर जो भी दोषी पाया जाएगा चाहे कोई हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, पुलिस पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन क्या आबकारी विभाग पर भी कोई अभी तक कार्रवाई हुई है? मैंने कहा ना, सभी पहलुओं पर जांच इसमें प्रचलित है और निश्चित तौर पर कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। अगर कोई दोषी है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।